हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तानिया क्रिएटिव गार्डन में। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज मैं बताऊँगी कि कटिंग से अपन रेनी सीजन शुरू हो चुका है तो क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं और कटिंग लगा लें ताकि वो ग्रो हो जाए अच्छी। रेनी सीजन में ही कटिंग चलती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिन पहले ही मैंने कटिंग बनाई थी और ये कटिंग लगाई और ये देखिए आप काफ़ी अच्छी चल चुकी हैं। ये देखिए तो इनका ये जो है दोपहर घड़ी जो होती है ये एक अच्छी प्लांट है। इसको अपन एक अगर खरीद के लाते हैं तो इससे अपन काफ़ी ढेरों पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, और ऐसा ही मैंने किया, मैंने भी बहुत ढेरों पौधे बना लिए इनके। ये देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाइट फूल अभी खिल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। ये देखिए, ये सब वेस्ट चीज़ से हैं, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने उसको बनाया हुआ है, टर्टल हार्ट है। ये देखिए, ये तो ये सब वेस्ट चीज़ से बनाई हुई है मैंने। ये देखिए, ये चंपा की कटिंग लगाई है मैंने इसमें। ये देखिए ये सब मैंने, ये वाली तो मेरे पहले थी, ये वाली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले लगाई थी, उसमें फूल भी खिल रहे थे। ये देखिए अभी थोड़े मुरझा गए क्योंकि धूप नहीं है, धूप होती है अगर ज़्यादा तो ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये भी खिल रहा है थोड़ा सा। ये देखिए ये सब मैंने वेस्ट चीज़ से बनाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर भी हो रहे हैं। अभी ये मैंने कलर वगैरह नहीं किया, इनको लगा दिए थे क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो रहा था तो मैंने कहा पहले कटिंग लग जाए तो अच्छा है। अब इनको मैं बाद में डेकोरेट करूँगी। ये देखिए, मैंने मनी प्लांट लगा रखी है, ये काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये मेरे पास यहाँ बाहर बिल का पौधा है, उसमें ये लग रही है। ये देखिए, ये एक पीपा जो होता है अपने तेल का ये था, तो इसमें मैंने ये लगा दिया है सदाफुली का फ्लावर। और ये ऑयल कैनेस को डेकोरेट करके मैंने ये बना रखा है। ये देखिए, ये और ये देखिए, ये मैंने अपने जो पॉलीथीन वगैरह होती है उसमें ये मैंने लहसुड़े का पौधा बीज डाला था, उगाया था, ये उग गया है और इससे लहसुड़ा मैं लगाऊंगी। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।